जो कल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से तोमर जी उनका फोन भी आया था 3:30 मेरे कल दोपहर के बाद, फिर उनका ईमेल हमें आई है कि आप 8 तारीख को 2:30 बजे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए आइए। हमारी यूनियन ने पूरी रात भर इस पे स्टडी किया, सुबह फिर हमने दौर किए, 3-4 दौर मीटिंगों के हमने लगाने के बाद फैसला किया है कि हम नई दिल्ली में इस जो माहौल है इस माहौल में हमें मीटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। कौन सा माहौल? एक तो भारत सरकार सीरियस नहीं है, मोदी जी बयान दे रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री पंजाब में आके बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसानों को गुमराह किया गया। हम गुमराह नहीं है, हम ऐसा मानते भी मोदी जी और उनके मंत्रियों को कारपोरेट घरानों ने गुमराह किया है और वो भारत के लोगों की आवाज सुनने के बजाय कारपोरेट की आवाज सुने देश और पंजाब की खेती को तबाह कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा जड़े जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी लेवल की वो मीटिंग है तो अगर वो कोई फैसला लेने की हैसियत में नहीं है कि वो हमारे कानूनों को रद्द कर दे तो उनकी जो चिट्ठी में लिखा हुआ अभी हम आपको सही जानकारी भी देंगे, तो हमें जानकारी तो पहले है। एक तो ये कारण भी है, दूसरा हरियाणा के किसानों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, ना देश की और जो किसान मजदूर जथेबंदियां उनको बुलाया नहीं गया, तो हमें लगता है कि हमें हरियाणा देश के और हिस्सों से फूट डालने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, तो इस फूट के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। और हरियाणा के किसानों को बुलाया ही नहीं गया, उनको यूनियन को, उनके ऊपर जो जुल्म किया खट्टर सरकार ने कल मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा, उनके ऊपर पानी की बुछारे मारी गई, हंजू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया। सो जो जब इस तरह का माहौल हो तो हमने लगा भी ये मीटिंग का सही माहौल नहीं है।